महामहिम कार्यक्रम की हमारे सूत्रधार और जिनकी प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं डॉक्टर गीतराज जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई परमिंदर जी और हमारे धन कुबेर भाई सुदेश जी, हमारे उप महापौर भाई विजय भगत जी और सभी मेरे सम्मानित मंचासीन नेतागण कार्यकर्तागण मातृशक्ति डॉक्टर साहब की पीड़ा सब लोगों के सामने आई। मैं भी डॉक्टर साहब से पहले जिससे जब डॉक्टर साहब चुनाव लड़े तो थोड़ा थोड़ा दूरी का हिसाब किताब है। डॉक्टर साहब सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए काम करते हैं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट मेरे भी मन में था इनके लिए। पर जैसे जैसे डॉक्टर साहब के मैंने अखबार में वो पढ़ने शुरू किए, डॉक्टर साहब जो कॉलम लिख के पढ़ने शुरू किए तो मेरी इनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। जब पता चला कि भाई ये भी उसी दर्द के सताए हुए हैं जिस दर्द में हम आप लोग रहते हैं, उसी नाव में सवार हैं जिस नाव में हम लोग आप सवार हैं। डॉक्टर साहब को भी क्या जरूरत थी इन सब का काम करने के लिए, इनको तो ऑफर हो जाती है कि भाई परिषद छोड़ दो और अपना केंद्रीय मंत्री पद लेने के लिए बैठ जाओ। डॉक्टर साहब ये काम कर सकते थे और डॉक्टर साहब को बोलते रहे थे ऊपर के। हमें पता है जब डॉक्टर साहब के लिए पहली बार रिशफल का हुआ तो यही था मामला कि परिषद को छोड़ दो, जात बिरादरी की राजनीति छोड़ दो और आगे केंद्र में बैठो, मंत्री बनो और भारी भरकम पद मिलने वाला था। पर हम आप लोगों की व्यथा को देखते हुए, समाज में जिस तरह का विकार है, समाज में जिस तरह का व्यभिचार है, जाति के नाम पर जिस तरह का और आरक्षण के नाम पर जिस तरह का लॉलीपॉप हमारे इस वर्ग को दिया गया है, उस तरह की पीड़ा को लेकर डॉक्टर साहब चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग इनके भी साथ रहे, इनके हाथ मजबूत करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से, अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों से भी और सामाजिक प्रतिस्पर्धियों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें ब्राह्मण समाज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमें मुस्लिम समाज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कम से कम एकता की बातें, मुस्लिम समाज कम से कम राजनीतिक तौर पे एक है तो जिधर भी जाते हैं उधर हवा का रूप बदल लेते हैं। और हम छोटे छोटे चुनाव में भी देखते हैं ब्राह्मण किस तरह भी इकट्ठा होता है, पूरा का पूरा ब्राह्मण इकट्ठा हो जाता है। हमें इस तरह की छोटी छोटी बातें का ध्यान रखते हुए क्यों ना हम ओबीसी पूरा एक हो जाए, क्यों ना हम दलित समाज एक हो जाए, क्यों ना हम माइनोरिटी एक हो जाए, तो जो चाहे वो काम हम लोग कर सकते हैं। जब 85% हमारी आबादी है, 85% हमारी आबादी है, जिस तरफ एक बार फुकार भी कर दी तो सब लोग धरे के धरे रह जाएंगे, सब लोगों के मनसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि आज के समय में, पर चुनाव के दिनों में जैसा हम लोग देखते हैं, चुनाव के समय हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग ओबीसी के सामने आ जाते हैं, छोटी छोटी बिरादरियों में, छोटे छोटे डब्बियों में अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो अपनी ये जो ईगो है इसको बंद करें। और मैं डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब की टीम को साधुवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, चाहिए पहला ही है, संकेतात्मक है। और इसको स्तर तक लेके जाए, विधानसभा स्तर तक लेके जाए, मंडल विधानसभा स्तर तक भी करेंगे और विधानसभा में हम लोग इस तरह का संगठन करेंगे। हम ओबीसी विधानसभा के तौर पर भी अगर जो एक हो गए तो जो हमारी इस ताकत ने जो निर्णय ले लिया वही विधानसभा जीतेगा। और जो पूरे तौर पर अगर जो हम इसको लोकसभा के स्तर पर लेके जाएंगे तो जिस तरफ उंगली करके कौन जीतेगा, जिस तरफ इशारा होगा कौन जीतेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को त्याग कर, छोटे छोटे डब्बों में जो हम अपनी ईगो के कारण बंद है उसमें से अपने आप को निकाल कर और अपना वृहत रूप एक बार समाज को दिखा दे, एक बार अपना आईना दिखा दे। जिस तरह हनुमान जी ने अपना व्रत रूप दिखाया था, इसी तरह का हम अपना व्रत रूप दिखाकर सबको एक बार चकित कर दें और जो अपनी एका, जो अपनी यूनिटी है इसको बरकरार रखें। और ओबीसी और इसके नाम पर जो रोटियां सेकते हैं, देखिए रिजर्वेशन का जो मामला है, मैं कई बार ये देखता हूं कि रिजर्वेशन जो बिरादरी के आधार पर दी हुई है इसका कोई विकल्प मेरे को नहीं लगता कोई होगा। ईडब्ल्यूएस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो समाज में जो गरीब वर्ग है उनके बच्चे पढ़ेंगे। पर मैं कभी रिकॉर्ड देखे या डॉक्टर साहब एक बार रिकॉर्ड निकलवा लें तो जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे गरीबों के नाम पर हम आप लोगों के हक के ऊपर पढ़ रहे हैं।
ये सिर्फ इसीलिए है, और अगर जो हम कहीं और भी कमजोर होंगे तो ये जो जो फायदा है, जो फायदा रिजर्वेशन के नाम पे बीपीसी के टाइम पे मंडल कमीशन के टाइम पे हम लोगों को मिला है, इस फायदे को जाया ना जाने दें। और डॉक्टर साहब ने जो अपने भविष्य को और अपने जिस तरह के कैरियर को आप ठोकर मार के आप लोगों के लिए साथ हैं, इनका आप साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।